गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एस आर एस आई ए एस एंड लॉ अकेडमी आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये पॉलिटी uh, से रिलेटेड है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वो और लिंग्यास शेयर इन रिजर्वेशन तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है तो रिसेंटली कर्नाटका हैज कैटेगराइज्ड टू डोमिनेंट कम्युनिटीज वोकालीगास एंड लिंगयाट्स एज मॉडरेटली बैकवर्ड फ्रॉम बैकवर्ड कैटेगरी तो पहले ये दोनों जो है वोकालीगास और लिंगयाट्स जो है इनको बैकवर्ड कैटेगरी में जो है वो रखा रखा जाता था तो अभी जो है इन्हें मॉडरेटली बैकवर्ड्स में जो है वो मूव कर लिया गया है दैट कुशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस तो इनके ओबीसी में जो है इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कि कौन सी जो है बैकवर्ड कम्युनिटी होगी कौन सी क्रीमी लेयर होगी कौन सी मॉडरेटली बैकवर्ड होगी तो सबसे पहले जो है जिनको बिल्कुल रिजर्वेशन जो है वो नहीं दी जाती वो आती है आपकी क्रीमी लेयर देन उसके बाद जो आती है आपकी वो आती है मॉडरेटली बैकवर्ड देन आती है आपकी बैकवर्ड कैटेगरी ठीक है तो ये सारी जो है क्लासिफिकेशन होती है ओबीसी के तहत तो. अब देखते हैं इस मूव से की पॉइंट्स क्या है इस मूव के तो कर्नाटका करंटली हैज 32 परसेंट कोटा ऑफ ओबीसी तो इनका करंट कोटा जो है कर्नाटका में जो चलता है वो बत्तीस परसेंट कोटा जो है वो ओबीसी को दिया जाता है 17 परसेंट कोटा जो है शेड्यूल कास्ट को दिया जाता है और 7 परसेंट कोटा जो है वो शेड्यूल ट्राइब को दिया जाता है तो इनका जो टोटल कोटा जो है कर्नाटका में जो चलता है वो है फिफ्टी The मसाली सबसेक्ट ऑफ वेरा शिवा हैज डिमांडेड इंक्लूजन पंचमशाली सबसे कैटेगरी ठीक है तो इसमें ओबीसी में, में टू ए कैटेगरी होती है जिसके पास पंद्रह परसेंट कोटा होता है फ्रॉम देयर करंट थ्री बी कैटेगरी विच हैजाइव परसेंट कोटा तो इनकी जो है ये जो है पंचमशाली सबसेक्ट ऑफ वेरा शिवा लिंग्यात्स जो है ये थ्री बी कैटेगरी में फॉल करते हैं जहां पे इनको फाइव परसेंट कोटा जो है वो दिया जाता है तो ये डिमांड कर रहे थे कि इनको टू ए कैटेगरी जो है उसमें इंक्लूड कर लिया जाए जहां पे इनको पंद्रह परसेंट कोटा मिलता है तो कैबिनेट डिसीजन जो है इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो ये जो है कैबिनेट ने जो अपना डिसीजन लिया है वो किसके बेसिस पे लिया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दो जो आपकी वोकालिगा का कम्युनिटी जो है वो करंटली जो है वो थ्री ए कैटेगरी में है उसको मूव कर दिया जाएगा न्यूली क्रिएटेड टू सी कैटेगरी विद

देर इज नो सब कैटेगराइजेशन ऑफ लिंग्यात कम्युनिटी तो ये, जो है cabinet, जो decision, जो है ये भी इंश्योर करेगा की इनकी कोई फर्दर सब कैटेगराइजेशन जो है लिंग्यात कम्युनिटी की वो ना हो द लिंग्यास डोमिनेट कम्युनिटी सेवनटीन परसेंट ऑफ कर्नाटका सिक्स करोड़ पॉपुलेशन तो जो कर्नाटका की जो पॉपुलेशन है उसका सेवनटीन परसेंट जो है वो लिंग्यास जो है वो है

तो बेसिकली ये जो है शिव की पूजा करते हैं और बसेश्वर वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम और इनके जो लिंग्यास जो है इनके बीच में किसी भी तरीके की कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही ये वैदिक रिचुअल सिर्फ एक ही भगवान जो है उसकी पूजा करते हैं जो कि है लिंगा या शिवा लिंग्यास हैज बीन क्लासिफाइड एज हिंदू सबकास्ट कॉल्ड वीरा शिवा लिंग्यास एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी शिवाइट्स तो ये हिंदू के ही एक सबकास्ट जो है वो मानी जाती है कौन सी क्लास है वो वीरा शिवा लिंग्यास और ये शिवाइट जो है वो माने जाते हैं उसके अलावा ये जो है बार बार सेपरेट जो है रिलीजन जो है उसकी भी मांग कर रहे हैं लिंग्यास बार बार द लिंग्यास डिस्टेंस डिस्टेंट दमसेल्व फ्रॉम हिंदू स बिकॉज they लेटर फॉलो द वेदास क्योंकि ये जो वीरा शिवा जो है ये हिंदू उन्हीं में से ये जो आते हैं लिंग्यास लेकिन जो वैराशि वीरा शिवास जो है ये वेदास की पूजा करते हैं और जो लिंग्यास जो है ये वेदों को जो है वो नहीं मानते और ये जो है वैराशिवा ये कास्ट सिस्टम को मानते हैं जो की लिंग्यास जो है कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते तो इसी वजह से ये अपना अलग धर्म की मांग जो है वो बार बार कर रहे हैं वैराशिवास आर द फॉलोअर ऑफ फाइव पीठास तो ये पांच पीठ जो है उनको मानते हैं Uh, जो पंच पीठा जो है जो कि विच वॉज सेटअप ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ फोर पीठा सेटअप बाय आदि शंकरा तो जो आदि शंकरा के जो चार पीठ जो है जिनकी बात करते हैं शंकरा तो उसके अगेंस्ट जो वैरा शिवा जो है वो पांच पीठ जो है उसकी बात करते हैं उसके अलावा इनके जो है रिलीजियस अफेयर्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट है जैसे कि जो हिंदू जो है उनमें जो डेड बॉडी होती है उसको जलाया जाता है लिंग्यास में जो डेड बॉडी होती है उसमें उसको दफना दिया जाता है तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेज जो है इसी वजह से लिंग्यास जो है वो बार बार अलग धर्म जो है उसकी मांग कर रहे हैं कि इनको जो है लिंग्यात एक अलग धर्म जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया जाए बाकी सारा वोट बैंक है जब सरकार चाहेगी जब उसका मन होगा या इनका वोट बैंक उनको चाहिए होगा तब जो है इनको जो है अलग धर्म जो है वो दे दिया जाएगा बार बार इनसे जो है वो वादा कर दिया जाता है कि तुम्हें जो है हमारी सरकार आ रही इन दो जब भी कोई सरकार आती है जो किसी को सरकार बनानी होती है तो इनको कह दिया जाता है कि जैसी हमारी सरकार आएगी तो हम जो है आपको अलग धर्म जो है वो एज ए सेपरेट रिलीजन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे नेक्स्ट आते हैं वो वोका लिगाज इट इज इवन बिलीव दैट द राष्ट्रकुताज एंडस्टर्न गंगाज वर वोकालिगा ओरिजन तो ये जो है राष्ट्रकुताज और जो वेस्टर्न गंगा जो है जो आपकी ये थी डायनेस्टी थी वो ये माना जाता है कि वो सारे जो है वो वोकाली थे वोकालिगा इज अ कैटेगरी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्युपेशन एंड टू डेट एक्सटेंड कुड बी एन एथनिक कैटेगरी एंड दीज आर लार्जली फार्मर्स बाय ओरिजिन तो ये जनरली जो है किसान जो होते हैं बाई ओरिजन ये फार्मर है वोकालीगा वोकालीगाज कास्ट ऑरिजिनेट इन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका इन द फॉर्मर प्रिंसिटेट ऑफ मायसूर द वोकाली लार्जेस्ट कम्युनिटी जब प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी मायसूर की तब वहाँ पे वोकालीगाज जो थे लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है वो हुआ करते थे एज अ कम्युनिटी ऑफ वॉरियर एंड कल्टीवेटर्स दे हैव हिस्टोरिकली वील्डेड ट्रिमेंडस डेमोग्राफिक पोलिटिकल इकोनॉमिक डोमेंस इन ओल्ड मायसूर अब देखते हैं स्टेटस ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो किस तरीके से इमर्ज हुआ है ओवर टाइम तो सबसे पहले ओबीसी के लिए जो जो है कोई कमीशन जो, जो बनाया गया था वो था कमीशन जिसको सेटअप किया गया था 1953 में इट वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा भी कुछ बैकवर्ड क्लासेज एग्जिस्ट करती है वो सबसे पहले जो है किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी कलेलकर कमीशन के द्वारा जिसको थ्री में स्टेब्लिश किया गया था लेकिन इसमें इसमें इसके ऊपर जो है वो इतना जोर जो है वो नहीं दिया गया तो उसके बाद जो है मंडल कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट देता है 1980 में तो उसमें जो है ये पाया जाता है कि ओबीसी पॉपुलेशन जो है वो 52 परसेंट पॉपुलेशन जो है हमारी वो ओबीसी है और इसी कमीशन ने मंडल कमीशन ने ऑलमोस्ट वन थाउजेंड जो थी उनको बैकवर्ड जो है वो डिक्लेयर कर दिया था डेड इट रिकमेंडेड इंक्रीजिंग कोटा की उन्होंने जो है और सॉरी एस सी एंड एस टी कोटा जो है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो दिया जाता था तो इसने रिकमेंड किया था कि उसी में जो है ओबीसी कोटा जो है उसको इंक्लूड कर लिया जाए और जो टोटल कोटा जो है वो बना के फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट जो है एग्जिस्टिंग कोटा इतना कर दिया जाए लेकिन बाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व कर देती है 27 परसेंट ऑफ सीट्स फॉर यूनियन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज फॉर ओबीसी पोस्ट और सर्विसेज जो है उसको ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है कितने परसेंट रिजर्वेशन कोटा के साथ 27 परसेंट कोटा के साथ अंडर आर्टिकल सिक्सटीन क्लॉज फोर उसी के साथ साथ उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है अंडर आर्टिकल क्लॉज के तहत उसके बाद 2008 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट डायरेक्शंस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो आपकी जो क्रीमी लेयर जो है जो एडवांस सेक्शन है ओबीसीज का उनको इसमें से इस रिजर्वेशन में से एक्सक्लूड किया जाए और उसके बाद फाइनली हंड्रेड एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आता है 2018 में विच प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन कमीशन फॉर फॉर बैकवर्ड बैकवर्ड क्लासेस क्लासेस जो 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 नेशनल था ये पहले एक बॉडी है वो हुआ करता था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो दो की जो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है हंड्रेड एंड उसके तहत इसको जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दे दिया जाता है तो ये थी हमारी इसकी कि किस तरीके से ओ जो है उसकी इमरजेंस जो है वो होती है तो आज की जो हमारी क्लास थी वो लिंग्यास के बारे में थी और इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी थैंक यू सो मच